हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ और मस्त हो, आप सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप सब का सोल पर्पस पूरा हो, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए और आप सबकी रियूनियन। माई सोल फैमिली, माई व्यूअर्स, माई सब्सक्राइबर, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जितना कुछ आपको मिलता है, जितने अच्छी चीज मैनिफेस्ट होते हैं, वो सिर्फ आपकी हाई वाइब्रेशन, अच्छी एनर्जी और विश्वास से मिलती है। तो डियर, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर दिन, हर वक्त, हर समय खुश रहने की वजह ढूंढें और खुद को हील करें, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ आप और आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। इसलिए अभी आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो खुद को हील करने की कोशिश करें। जैसी आपकी एनर्जी, वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी डियर। तो कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में पार्टनर चल रहे हैं, आप वर्क कर रहे हो फिर भी आपको पार्टनर चाहिए, ऐसी एनर्जी है। तो डियर, मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है डियर, कहीं ना कहीं डर भी बोल सकते हैं और विश्वास भी कह सकते हैं। डर इसलिए कि मैं आपको खो ना दूं, और दूसरी बात विश्वास है कि डर तो है लेकिन कहीं ना कहीं उनका माइंड बोलता है कि नहीं, डर नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप उनके हो। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है डियर। अगर आपसे पति आपसे दूर है उनके लिए भी है, उनके ऐसी सोच है, कहीं ना कहीं आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपके लिए ना सोच रहे हों, ऐसा नहीं है। भले ही आपसे नो कॉन्टेक्ट है, बात नहीं है, ईगो है, गुस्सा है, लेकिन आपके लिए प्यार है, इज्जत है। तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। आपके पर्सन जहाँ हैं, जैसे हैं, आपके सारे बातों को याद कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे आप बात बोलते थे उसके वजह से उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है और आ भी रही है। लेकिन डर भी है और विश्वास भी है। देखिए, आदमी के माइंड में दो तरह की चीज़ें चलती हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम बैलेंस करने लगते हैं तो पॉजिटिविटी ही आती है। तो यहाँ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, ठीक है। डर भी है, विश्वास भी है। कहीं ना कहीं जब जहाँ विश्वास करते हैं वहाँ डर पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं आपको खो ना दूं, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। उन्हें क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, क्योंकि आपको वो बदलते हुए देख रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे नो कॉन्टेक्ट है और आपसे बात भी हुई है कुछ लोगों की, तो ऐसी एनर्जी में बात हुई है कि जैसे आप कुछ बदले हो, पहले जैसा पैम्पर नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। तो थोड़ा सा अकेला फील महसूस करें और बिताए हुए पल को याद कर रहे हैं, वो एक मौका खोजे दिए आपसे मिलने का और आपसे बात करने का, ऐसी एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा ईगो है उनमें और कहीं कहीं वो काफ़ी सोच रहे हैं और अकेला रहना पसंद कर रहे हैं डियर। और आप दोनों, मैं देख रही हूँ आप दोनों कांटेक्ट करना चाहते हो, दोनों की तरफ से है, ठीक है, दोनों तरफ से कांटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में उनका ईगो आ रहा है और आपका इनर वर्क आ रहा है। और आपको आपके आसपास दिव्य शक्ति हैं जो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ ना कुछ साइन देख रहे हैं दे रहे हैं डियर। तो आप लोग भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो, परेशान हो और आप चाहते हो कि कुछ खुलकर बात हो। आप हमेशा मैनिफेस्ट करो और आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करें, लेकिन डर है डियर और विश्वास भी है कि आप सिर्फ उन्हीं को प्यार करते हो, इतना तो विश्वास है डियर। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो महसूस कर रहे हैं आपको लेकर कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मुझे लगा कुछ लोगों की बात हुई है उसके वजह से, या फिर सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, उसके वजह से आपको देख रहे हैं कि आप में लाइफ में चेंज आ रहा है। लेकिन आपकी बेचैनी बेताबी तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी ऐसी होती है, ये खुद को ज़्यादा समझते हैं और लोगों को समझेंगे लेकिन आपकी फीलिंग्स को कम समझेंगे। आपने जो प्यार दिया है, जो वक्त दिया है, वो अपने हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी चाहिए। तो वो बिताए हुए पल को याद करके हील हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिविटी उनको चारों तरफ से घेर रही है, बस उनको पुश कर रही है कि आप कुछ करो, आप कुछ करो, या फिर आप की ओर बढ़े या ना बढ़े, उनको दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन डर यहाँ उनको है, अब बहुत हो गया, ऐसा सोच रहे हैं अब बहुत हो गया, कुछ करना चाहिए, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। तो निगेटिविटी तो घेर रही है डियर आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, एक लग रहा है ना, ये 24 घंटे में मुझे लग रहा है एक बेचैनी सी होगी आपके पार्टनर को कि नहीं, अब मुझे बात करना चाहिए, अब मुझे कॉल मैसेज करना चाहिए, आज मैं नहीं करूँगा तो मैं फिर खो दूंगा, एक डर सा हो रहा है डियर, ठीक है।
और काफी पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर। वो जहाँ है जैसे खुश नहीं है, मुझे लग रहा है फैमिली इशू है कुछ डियर, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ स्टक हैं, वहाँ अकेले रह रहे हैं, बिल्कुल हट कर हैं, कोई बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त आप चाहिए, उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें लगता है कि आपके साथ ही मेरा जिंदगी अच्छा बीत सकता है। आप उन्हें पूरा करते हो, सिर्फ उनके दिमाग में चल रहा क्या, खोना खोना मैं बिल्कुल नहीं चाहता, खोना खोना मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसी एनर्जी आ रही है। बस दिमाग में निगेटिविटी चल रही है, उन्हें लगा कि आप उनसे दूर जा रहे हो, या फिर आप किसी से कांटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पर कुछ पिक डाल रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आपके बारे में वो पता लगा रहे, जिससे उनके मन में डर हो गया कि वो आपको खो ना दें। 24 घंटे में बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी जो होगी बहुत ही निगेटिव होगी कि आपको वो खो ना दें, और इसी वजह से एक बेचैनी होगी और आपकी तरफ वो बढ़ना चाहेंगे। वो चाह रहे आपसे मिलना, आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ये एक एनर्जी जो है, ये आपकी जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशन में उनके पास जा रही है, और वो चीज़ एनर्जी आप अपने तरफ खींच रहे हो अपने पार्टनर को। ये एनर्जी ऐसी है डियर, क्योंकि आप उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहे हो, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। समय निकल रहा है, आपके पार्टनर सोच रहे हैं, समय निकल रहा है, मैं क्या करूँ, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में निगेटिविटी चल रही है, जो वो अब चाह रहे वहाँ से निकलने दिए। वो अकेले अपने आप को कहीं ट्रैवल में जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं शांत जगह, लेकिन वहाँ पे आप चाहते हैं, सिर्फ वहाँ पे आप और आपके पार्टनर हो, सिर्फ आप और आप, कुछ अट्रैक्शन है, कुछ वो लम्हों को याद करें। आप लोगों ने बहुत बार ट्रैवल किया होगा, बहुत जगह आप लोग मिले हो, उस मोमेंट को वो याद कर रहे हैं डियर। वो हग करना चाह रहे हैं और आपको फॉरहेड पे किस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन कुछ एक एनर्जी है जो एकदम से उनको डरा रही है डियर, बहुत बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं और आपको सिर्फ पाना ही पाना चाहते हैं। आप उन्हें पूरा करते हो, उन्हें पता है कि आप उन्हें प्यार करते हो, और मानो या ना मानो, भले ही ये निगेटिव आपकी सोच होगी कि आपके पार्टनर आपको याद नहीं कर रहे, प्यार नहीं करते हैं, तो डियर ये मत सोचना, क्योंकि ये मैस्कुलाइन एनर्जी, ईगो प्रॉब्लम होता है, तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और आप पेशेंस खो देते हो, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, आप दयालु होते हो, सबके लिए सोचते हो, और आपके पार्टनर फ्रीडम टाइप का लाइफ जीते हैं, खुद के लिए ज़्यादा जीते हैं, इसीलिए वो बैलेंस करना जानते हैं डियर। इसलिए आपको भी यहाँ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपके आने वाले समय में आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाली है। यूनिवर्स साइन दे रहे हैं आपके पार्टनर को भी डियर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन्हें पुश किया जा रहा है कि आपकी ओर बढ़े, क्योंकि ये प्लानिंग यूनिवर्स की होती है, ठीक है। एंजल्स उनको साइन दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं डियर, कुछ ना कुछ आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। डिवाइनिंग टाइमिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की कॉन्टेक्ट होगी, यूनियन भी होगी डियर, मुझे ऐसा दिख रहा है। डिवाइन प्लानिंग पर सब कुछ चल रहा है, मैं यही बोलूंगी कि आप जैसे इनर वर्क करो डियर, करते रहो, बहुत अच्छा। आप दोनों की हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आप लोग का, तो अच्छे से हील होइए, अच्छे चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आने वाले लाइफ में, आने वाले समय में आपको अवेयरनेस मिलेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपको खो ना दें, ऐसा उन्हें डर लग रहा है। कहीं ना कहीं एक खूबसूरत लम्हों को याद कर रहे हैं और आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको वो मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत एक बच्ची की तरह व्यवहार मेरे साथ करती हो, और एक मदर की तरह मुझे पैम्पर करती हो, तुम किसी से बात करती हो तो मुझे जेलसी फील होता है, मैं तुम पर निगाहें रखता हूँ। ये मैसेज आपके पार्टनर की आपके लिए दिया है। थोड़ा मैं देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में चेंज आ रहा है, हो सकता है ये निगेटिविटी को छोड़कर आके पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी ओर बढ़े, ऐसी एनर्जी दिख रही है डियर, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको खोने का डर लग रहा है उन्हें, कहीं ना कहीं उन्हें शक हो रहा कि कहीं आप किसी और से इंगेज तो नहीं हो, शक इनको हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि आप उनकी जगह किसी और को नहीं दोगे, या मेल हो या फीमेल हो, आप अपने पर्सन को भी स्टॉक कर रहे हो, दिन रात उनको मैनिफेस्ट करो डियर आप, लेकिन आप इनर वर्क कर रहे हो,
कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको हेल्थ इशू हो रही है डियर, तो कोई बात नहीं, ये जर्नी में ये प्रोसेस से गुजरना होता है, पेन, दर्द, सेपरेशन, ये सब होता है, ये सब को आप पार कर जाओगे जब खुद से प्यार करना सीखोगे। तो ये पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे डियर, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये 24 घंटे में मुझे लग रहा है कि उनकी बेताबी इतनी बढ़ेगी कि वो आप बस कॉल मैसेज कर दें, या फिर आपको अगर ब्लॉक किया हो तो अनब्लॉक कर दे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ईगो है डियर, ईगो को आप कम करेंगे इनर वर्क से, ठीक है, खुद पर विश्वास करके, और आपको लेकर वो ट्रैवल करना चाहते हैं डियर। ऐसी एनर्जी आ रही है, अट्रैक्शन काफ़ी हो रहा है, हो सकता है कि आज इतनी ज़्यादा उनको बेचैनी हो कि बस आपको कॉल मैसेज कर दें। उनको नींद नहीं आएगी डियर, आज की रात तो उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सपना देखा है आपको लेकर, तो एक आपकी ओर खिंचाव उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ ऐसी उन्हें अंदर से महसूस हो रही है कि सिर्फ आप और आप उन्हें चाहिए। तो ये जो आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं डियर, तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कीजिए, हो सकता है कि आपसे कॉन्टेक्ट हो, बात हो। ये उनका डर है कि सिर्फ आप उनकी हो, आप किसी और का ना हो जाओ, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डियर, प्लीज़ पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें, और पार्टनर के लिए अच्छी हीलिंग सेंड करें, खुद भी हील हो, और हो सके तो आज जरूर टेलीपैथी कीजिए। कुछ लोग तो टेलीपैथी कर रहे हैं, उनका भी असर है, आप लोग इनर वर्क कर रहे उसका असर है, क्योंकि आपकी तरफ आपकी एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर की सोच ऐसी हो रही है डियर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये वीडियो आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी पे था डियर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।